जय हिंद एवरी वन जैसे आज क्लास में देख रहे हैं गोली दर्पण गोली दर्पण का क्लास देखिए लेकिन ये कुछ अलग क्लास का है कौन सा है देख लीजिए ये देखिए मैंने क्या बनाया एक मैंने गोली दर्पण बनाया सॉरी आप लोगों को थोड़ा मैं गोला खराब हो गया होगा थोड़ा अच्छा नहीं बनता कि मेरा बहुत हार्ड है ठीक है हार्ड है इसी कारण मेरा ड्रॉइंग अच्छा नहीं बन पा रहा है बराबर तो आप अच्छा सा ड्राइंग बना लीजिएगा अपना गोल कर लीजिए ठीक है आप जस्ट लाइक समझ लीजिए ये क्या है गोली दर्पण गोली दर्पण पर इसकी क्या क्या होती है उसको देख लीजिए बीच क्या होता है इसको सेंटर बोलते हैं एक यहाँ का होती है इसको पी बोलते हैं ये सब जितने के ना इसकी लाइन है एक लाइन है क्लियर है लाइन है एक यहाँ भी पी होती है की होती है आपको भारी बात बता रहा हूँ ठीक है इसको वक्तरा केंद्र बोलते हैं जिसको हम सेंट्रल के नाम से भी जानते हैं ठीक है इसको जो होता है ना इसको प्रधान एच क्या है प्रधान एच ठीक है प्रधान अंश बोलते हैं यस प्रधान अंश ठीक है प्रधान अंश ठीक है और ये किसको बोलते हैं ये लाइन को बोलते हैं ये क्या है सेंट्रल होता है इसमें क्या क्या होती है उसको बता देखें, सी से बोलते हैं सी, सी जो होते हैं इसे नोट कर लीजिएगा सी को बोलते हैं वक्तरा वक्तरा केंद्र क्लियर वक्तरा केंद्र बोलते हैं वक्तरा केंद्र जो पी होता है उसको हम ध्रुव बोलते हैं इसमें क्या क्या होता है एक एफ होता है आपको बता देंगे जो जो होता है फोकस होगा एफ क्या बोलते हैं हम फोकस बोलते हैं एक आर होता है जिसको हम तिरजा बोलते हैं क्या होता है? तीर्जा बोलते हैं तिरजा बोलते हैं ठीक है ये सब हमको बताने वाले हैं और जो लाइन होता है उसको उसक। उसको हम प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के नाम से बोलते हैं लाइन में इसे इंडिकेट करता हूँ इस लाइन को क्या बोलते हैं हम प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष ठीक है प्रधान प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलते हैं क्लियर है आप मैं बताना चाहूँ तो उसको देख लीजिए भली बातें समझ तो अब देखिए फाइनली मैं क्या कर रहा हूँ देखिए ये मैंने इसको एक साइड से, से मिटा दे रहा हूँ ठीक है ये भी एक साइड से मैं इधर से मिटा दे रहा हूँ क्या है इसको आप समझिए ठीक है समझिए देखिए एक मैंने क्या कर रहा हूँ मैं इसको कलई कर रहा हूँ क्या है कलई कर रहा हूँ कलई मतलब इसको रंग रहा हूँ ठीक है इसको अब मैं कलर कर रहा हूँ एक इसको भी मैं अब इसको क्या कर रहा हूँ रंग रहा हूँ ठीक है इसको भी मैं कलर कर रहा हूँ क्लियर है या मैं इसको मिटा रहा हूँ आपको समझिए भली भांति को ठीक है अब देखिए ये क्या भाई ये हुए इसके दो क्या होता है इसको दो देखिए गोली दर्पण कितने हुए इसको हम क्या बोलते हैं ये जो होता है ना इस साइड का देखिए इस साइड से धंसा हुआ है इस साइड से निकला हुआ ये जो निकला हुआ है ना तो ये कौन सा होता है मेरा उत्तल क्या होता है उत्तल क्लियर उत्तल दर्पण इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण क्या होता है अवतल औत दर्पण कैसे क्या होता है देख लो समझो देख लीजिए सपोज यहाँ एक साइड का इसका धंसा हुआ है जैसे आप चम्मच देखिएगा चम्मच ऐसा चम्मच होता है जो एक साइड से धंसा होता है ना इसको हम क्या बोलते हैं जो धंसा हुआ चीज़ को हम क्या अवतल बोलेंगे ठीक है अवतल आई जो इस साइड के होते हैं फॉर्म को उसको क्या बोलते हैं उत्तल बोलेंगे क्या होता है वो जो इससे निकला होगा उसको हम उत्तल बोलेंगे इस साइड से साइड का होगा उसको हम अवतल बोलते हैं ठीक है चम्मच का अच्छा से मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ठीक है चम्मच का अच्छा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्लियर हो जाएगा इसको हम अवतल यूज़ करते हैं इसके उत्तल उत्तल को इसको बोलते हैं इसको उत्तल बोलते हैं क्लियर अब देखिए ये और आप भी इसका भी रेवा ठीक है अब देखिए अब इसको थोड़ा मिटा रहा हूँ क्लियर ये देखिए सपोज सपोजेट इसमें क्या देखिए ये एक होता है क्या रेडियस यहाँ से सपोज सपोजेट यहाँ पे एक रेडियस होगा क्या होगा रेडियस आर आर रेडियस के आधी क्या रेडियस के आधी, आधी पे क्या होती है हमारा एफ होता है जिसका फोकस बोलते हैं हम एफ होता है क्या रेडियस के आधी हमारा क्या है? F होता है एफ होता है फोकस होता है क्लियर है ना रेडियस के आधी एफ होता है क्लियर आ देख लीजिए ये क्या होता है अवतल है ना और ये उत्तल है उत्तल है ना तो उत्तल हमेशा पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव होता है ठीक है अवतल हमेशा निगेटिव होता है क्या होता है निगेटिव होता है क्लियर है निगेटिव होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है समझ में आया आइए देख लीजिए ये रहा सपोजेड ये क्या बोलते हैं आधी होती है कि किसके रेडियस की आधी फोकस होती है इसलिए होते हैं एफ एफ़ इक्वल टू आर बाई टू क्लियर ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में फॉर्मूला ही बनता है एफ़ इक्वल टू एफ इक्वल टू आर बाई टू क्योंकि इसकी आधी होती है सपोजेड आपको एफ ये सब आपको एफ निकालना हो ठीक है एफ निकालना हो रेडीज दे दिया आपको ट्वेंटी ठीक है ट्वेंटी दे दी चालीस दे दिया होगा क्लियर तो सो क्या करेंगे एफ इक्वल टू ठीक है चालीस बाई दो क्लियर इसको देंगे कितना हो जाएगा बीस हो जाएगा देखो इसी तरह के एग्जाम पूछा जाता है ठीक है इस तरह के एग्जाम पूछा जाता है कौन सा ये अवतल है उत्तल यह इसको क्या बोलते हैं वक्त का पी ध्रुव बोलते हैं एफ को फोकस बोलते हैं आर को रेडियस रेडियस से तिरजा इस लाइन को प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष बोलते हैं क्लियर है ना क्लियर है ठीक है एफ किस क्या कि, 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 रेडियस के आधी कौन एफ होती है ठीक है क्लियर है चलिए तो इसका यूज कहाँ करता है भाई यूज कहाँ करता है यूज बहुत अब बड़ी बात है यूज कहाँ करते हैं सपोर्ट डाइट अब इसका यूज होता है अतल और उतल का यूज कहाँ किया जाता है देखिए ओतल का यूज वहाँ पे तो सब दा, डाइट सब दारी उरी बनाते हैं ना कोई भी चीज़ को दाढ़ी उड़ी बनाने में इसको औतल का यूज सपोर्ट डाइट हम छोटे से मिरर देखते हैं छोटे मिरर से हमको बड़ा दिखना है उस समय हम का ओतल का यूज करते हैं देखते हैं अब <laughs> लड़की को दिखेगा जो मेगा भी यूज करती है छोटा सा, सा ये इतना बड़ा आईना कुछ उसमें बॉक्स में दिया जाता है और उसमें पूरा पुर सर्कल दिख लेता है चाहे इतना कोई आईना दिखेगा इतना छोटा है उसमें पूरा सर्कल दिखता है अपना तो क्या वो कौन सा होता है हमारा ये अतल होता है क्लियर है ना अवतल होता है अतल होता है चलिए अवतल का यूज कहाँ करते हैं भाई उतल का यूज़ हम वहाँ करते हैं गाड़ी की देखते हैं गाड़ी का साइड मिरर गाड़ी का साइड मिरर हम कहाँ इसका यूज़ करते हैं गाड़ी के साइड में क्यों यूज ऐसे करते हैं सब बड़ा बार चीज़ आता है सोच बड़ा गाड़ी आता है अच्छी चुकी मिरर है उसको पूरा दिखाने में इसको मदद करता है उसको पूरा साइड मीयर करता है उसको पूरा अच्छा से इसको एबजर्व करके फिर दिखाते हम एक ये मेरे बगल से गाड़ी है इसको पास दो बारह गाड़ी हमको इसको पास देना है तो कौन सा इसको गाड़ी के साइड में पूछ देगा क्वेश्चन तो ये उत्तल यूज कर दे दाढ़ी उड़ी बनाने में किसी का यूज करते हैं तो हम अवतल का यूज करते हैं क्लियर ये रहा इसको आप बारीकी से नोट कर दिए तो चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम उसमें कुछ पूरा फोकस करने वाला है क्वेश्चन को इसके कुछ फॉर्मूले वगैरह को चलिए तो देखते हैं देखते। बस इस वीडियो में इतना ही था मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तो जय हिंद जय भारत